हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम उमरा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीजीपी लाइट और ओल्ड डीजीपी। तो डीजीपी ये हमारा है जो मैं एक्स्ट्रा भी माउस करके आपको दिखा रहा हूं, और एक हमारा डीजीपी लाइट है। तो इसके बारे में तो सब जानते हैं हम। डीजीपी लाइट की जो सर्विस है हमारी, उसके बारे में जान लेते हैं। हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद, और जहाँ भी आपने से इसका लिंक सेव करके रखा है, agent.pacsc.in, और ये आपकी CSC ID यहाँ रहेगी। CSC ID में 01 आप लगाएं, और उसके बाद पूरी CSC ID डालें। उसके बाद CSC, मतलब पूरा CSC, C कैपिटल है और SC स्मॉल है, @1234, और साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। और मुझे ये बहुत ही आसान लगा है, क्योंकि पहले हम माइक्रो ATM का यूज़ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि हमें मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए पहले बायोमेट्रिक उसमें कनेक्ट करनी होती थी, उसे लॉगिन करना होता था। अब इसमें केवल एक चीज़ से हम लॉगिन कर सकते हैं, OTP, वो भी कभी कभी OTP इसमें मांगता है और बाकी नहीं मांगता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि OTP नहीं मांगा है, हम लॉगिन हो चुके हैं। और ये जो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, उन्हें KYC करना जरूरी है। तो KYC मैंने कर लिया, मैं इसे एग्जिट करता हूँ। और इसका हेल्प डेस्क नंबर है, मर्चेंट पर कॉल करने से पहले अपना टिकट दर्ज करें, मतलब इसमें कंप्लेन दर्ज करनी होती है कि किस लिए आप फ़ोन कर रहे हैं। और उसके बाद ये सेवाएँ इसकी हैं, एग्जिट करते हैं तो ये देखिए डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है। मेरा ये ₹502 है, इस पर अगर आप क्लिक करें, मान लीजिए आपने कैश विड्रॉल किया और आपका कैश यहाँ पर शो नहीं करा, इस पर क्लिक करेंगे तो रिलोड होकर आपका कैश यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरी CSC ID रही, और वेलकम CSC ID। इसके फीचर्स जान लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर्विस में आके और मनी ट्रांसफर का ऑप्शन ये रहा, और AEPS का ऑप्शन ये रहा। मनी ट्रांसफर में मैंने मनी ट्रांसफर किया है, बहुत अच्छी मनी ट्रांसफर, इसकी इंस्टेंट चला गया था पैसा, और बहुत अच्छी सर्विस मुझे लगी है। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे Wallet 1 और Wallet 2 क्या है, इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। तो एक बार मैं चलो यहीं पर बता देता हूं कि Wallet 1 में हमारा कैश विड्रॉल का कैश पैसा जाता है, और Wallet 1 से हमारा कैश ट्रांसफर होता है। तो बाकी इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। तो ये हमारा AEPS रह गया। AEPS में जैसे हम क्लिक करेंगे तो कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में हमें ₹1.50 भी मिल रहा है प्रति स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी, मतलब स्टेटमेंट निकालने पर कस्टमर का ₹1.50 हमें प्रति ट्रांजेक्शन पर मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर दिन में आपके 10-5 कस्टमर का आप बैलेंस इंक्वायरी कर देते हैं, तो आपके ₹15-20 सीधे हो जाएंगे 10 कस्टमर पर। उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं, विड्रॉल यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी मोर्फो जो है इसमें वर्क कर रही है, जो कि 154 वर्जन जो है। मैं आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको कंट्रोल पैनल में जाके, और मेरी मोर्फो डिवाइस है, मोर्फो डिवाइस 20154 करके ये वर्जन है, ये बराबर इसमें काम कर रहा है। और देखिए मेरी आयरिस भी इसमें इंस्टॉल है, दोनों के साथ ही बराबर काम कर रहा है। तो यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर रहता है, और बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाती है किस बैंक से आप विड्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद अमाउंट अगर आपके सामने दिख रहा है ये, तो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना अदर पे जा करके जो अमाउंट आपको विड्रॉल करना है वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो लाइट जो है इसकी बिलिंग होने लगेगी। देखिए हालांकि मैंने आधार नंबर नहीं डाला है, फिर भी लाइट इसकी बिलिंग हो गई है। मैंने यहाँ फिंगर दे दिया तो 46% फिंगर आ गया। अब यहाँ पर डिटेल भी कस्टमर की भर सकते हैं, ये इस तरीके से। इसमें ये मनी ट्रांसफर की सुविधा है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे किसी का भी तो आसानी से मनी ट्रांसफर। और उसमें पहले यूज़र बनाना पड़ता है, यूज़र में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल नाम नाम से यूज़र बनता है इसका। और उसके बाद बैलेंस ऐड का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, जैसे कि मैं किसी नंबर से लॉगिन करके दिखा देता हूँ, और ये होगा ही नहीं किसी अदर नंबर से। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा बाद में। ये जनरेट रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट क्या होती है, जैसे हमने कैश विड्रॉल किया या एंटर वैलिड रिपोर्ट, हम देख लेते हैं एक बट ये नहीं आ रही है। तो हमें ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में हमारी जो सारी रिपोर्ट आती है, जैसे मान लीजिए मैंने कैश विड्रॉल यहाँ पर किया, सॉरी ये कैश आउट, कैश आउट का मतलब है पे आउट, जो हमारे ओल्ड DGP में पे आउट रहता था, तो यहाँ पर इन्होंने कैश आउट कर दिया। अभी हम AEPS का रिपोर्ट निकालेंगे आज की ही, ये कह रहे हैं पेंडिंग की, सक्सेस की, फेल्ड, जो भी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। ऑल की रिपोर्ट निकालेंगे हम, जैसे हमने ऑल पर क्लिक किया तो फैचिंग फैच जो है हमारी रिपोर्ट होने लगी है। और देखिए ₹500 का विड्रॉल किया हमने, रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है, सक्सेस हुआ है। और इसमें बहुत अच्छी डिटेल रहती है, इसमें बैंक का नाम भी रहता है। और ये MATM की रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, कैश आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। कैश आउट देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, मतलब कैश आउट की रिपोर्ट आप देखना चाहें तो मैंने कैश आउट भी किया है आज ही के दिन, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। AEPS कैश आउट किया है,
ATS मतलब वैलेट टू से मैंने अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर किया है, तो वो भी रिपोर्ट यहाँ पर दिख रही है। ये रिपोर्टें भी थोड़ा सा मोबाइल में अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है एप्लीकेशन, तो सिस्टम में प्रॉपरली वर्क कर रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी HDFC BC पोर्टल में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा फंस रही है, तो कुछ लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो AEPS MITM की रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, AEPS की हो गई है। वैलेट की रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देते हैं, वैलेट टू की रिपोर्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि वैलेट टू हमारा ये है, इसमें हमारा AEPS का पैसा जाता है। जब भी हम AEPS निकालते हैं तो वैलेट टू की रिपोर्ट ही आपके सामने आ गई है, और वैलेट वन की रिपोर्ट तो कोई है नहीं क्योंकि मैंने मनी ट्रांसफर नहीं किया। अगर मनी ट्रांसफर होता है तो यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होके आती है। अगर आपको मनी ट्रांसफर करना तभी आप वैलेट वन में पैसा करें, वरना 100 रुपये इसमें जो है होल्ड रह जाता है। जैसे CSC में 100 रुपये होल्ड रहता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी 100 रुपये होल्ड हो जाता है। ये तो मेरे 111 रुपये होल्ड हो गया, अभी कभी नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस मुझे इसकी लगी है। और ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट वैलेट टॉपअप रिपोर्ट, इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि टॉपअप में अगर बैलेंस ऐड करेंगे हम ट्रांसफर करेंगे तब की ज़रूरत रहती है। कैश आउट की सुविधा है, तो कैश आउट की सुविधा अभी पूछ रहा है कि देखिए वैलेट ट्रांसफर मतलब पहले वैलेट टू से अब वन में आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे वन में मेरे 111 रुपये आए, तो यहाँ से मैं अगर 100 रुपये डालूंगा तो तुरंत 502 में से कट के 100 रुपये इसमें चला, मतलब 100 रुपये इसमें चला जाएगा। तो ये पैसा केवल हम मनी ट्रांसफर करके यूज़ कर सकते हैं, इस पैसे को हम बैंक में नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा ध्यान से इसका कैश आउट करें, वरना ये पैसा जैसे मेरा होल्ड हो रहा है आपका भी होल्ड हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो टिकट जनरेट की बात आ रही थी, यहाँ पर हेल्पलाइन है, यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी AEPS की क्यूरी है और किस ट्रांजेक्शन की क्यूरी है, जाकर के यहाँ से टिकट जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे पहले मुझे बताने की बात थी वो थी KYC, मैंने KYC यहाँ पर कर ली है जो कि अप्रूव्ड हो गई है। आप सभी को KYC कर लेनी है। अगर आप KYC नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड पर जाकर के KYC कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का कैमरा लैपटॉप के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहता है, तो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अच्छे से अपलोड होंगे। तो ये DGPay की लाइट की सुविधा रही है, और ओल्ड DGPay के तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका स्नेह और प्यार देने के लिए मेरे चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया।